इस्तेफारे ना निकालो, जहां आमिलों को रगड़ता हूं मैं इस्तेफारों को भी रगड़ता हूं, जो नाजायज इस्तेफारे हैं। इस्तेफारे में कुछ भी नहीं निकलता, अगर कुछ निकल रहा है तो आपका अपना दिमागी दिमागी तखय्युल है, वो खामखा की परेशानी है जो ख्वाब में बन के आ जाती है सामने। इस्तिखारे का मफहूम वो नहीं है जो आज जुहला में राइज हो चुका है। इस्तिखारा दुआ है, अल्लाह बेहतर है तो मुकद्दर करा दे, बेहतर नहीं है तो हटा दे, बस। इसके बाद रुकना नहीं है कि देखूं कोई सिग्नल मिल रहा है, काम करो फौरन जो समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो इस्तिखारे में अच्छा ख्वाब आए फिर भी नहीं करना, समझ में आ रहा है तो इस्तिखारे में नेगेटिव ख्वाब आए फिर भी करना है। क्योंकि शरीयत कहती है ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसला करो, ख्वाबों को देख के फैसला नहीं किया जाता। कैसे समझाएं यार, इस पे तो आर्मी बुलानी पड़ेगी। ये जहां इस्तिखारे का मौजू आता है तो मौलवी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, क्यों इस्तिखारे। एक साहब से मैंने समझाया, मैंने कहा तेरे ख्वाब भी तो एक अल्लाह की तरफ से बशारत है। मैंने कहा देखो किसी भी हदीस को लेना है तो फिर उससे मुताल्लिका तमाम हदीसों को सामने रख के फैसला किया जाएगा। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे की फजीलत बयान की उसका अपना अमल क्या था? आपको तो जब भी निकाह का पैगाम आया, जैसे ही समझ में आया फौरन हां किया आपने, कहीं भी नहीं है कि मैं पहले इस्तिखारा कर लूं। मुमकिन है आप कहें आपका तो डायरेक्ट अल्लाह से राबता था, तो सहाबा में भी हमें ऐसा नहीं मिलता। और नबी की इरशाद क्या मिलता है, इदा खतबा इलैकुम मन तरदाउन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु, फरमाया जब कोई अच्छा रिश्ता आए तो हां कर दो, अगर नहीं हां की तो आपने धमकी दी है। तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीस, बड़ा फितना होगा। आपने ये नहीं कहा कि ख्वाब आए तो कर दो, हां ख्वाब में नेगेटिव आए तो ना कर दो, ये नहीं कर। आपने फरमाया अच्छा रिश्ता आए तो हां करो, हां हां करो। अभी कहीं क्या हुआ कि मैं किसी के रिश्ते में इश्ते नहीं कराता कि मेरे पास रश लग जाए, कुछ अपने ही जानने वाले थे तो उनकी कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो मुझे भी ले गए वो, तो वो लड़की वालों ने हां कर दी, भाई लड़का फिटफाट माशाल्लाह। बाद में लड़के को फोन करके बोले तुम अपनी अम्मी का नाम बताओगे? मैंने कहा अब नहीं होता यहां पे, मैंने कहा इनकार कर दो, हम जाहिलों में नहीं करनी हमने शादी। समझ रहे क्यों मैंने मना किया? अम्मी का नाम क्यों पूछ रहा है? इस्तिखारा निकालेगा भाई जब तूने देख लिया, तुमने 6 महीने तहकीक में लगा दो, आप 10 साल लगा दो तहकीक में, इसमें कोई हरज नहीं है। जब एक दफा बात समझ में आ गई तो कुरान क्या कह रहा है, फैजा आजमता फतवक्कल अल्लाह, फैसला करो तो कुव्वत फैसला होना चाहिए आप में, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। मुस्तकबिल की हकीकत कोई नहीं जानता क्या होगा मुस्तकबिल में, हम जाहिर के मुकल्लफ हैं। अंग्रेज कहां से कहां पहुंच गया फैसले कर करके, और हमारे यहां इस्तिखारों में ही 6-6 महीने लटके रहते हैं। तो ये नहीं है वो, ये वो इस्तिखारा नहीं है जो इस्लाम में है। शुक्र है मुझे ये वाले इस्तिखारे नहीं आते थे, वरना अभी तक मैं कवारा ही बैठा हुआ होता, इस्तिखारे निकल रहे होते। कर लो भाई, अगर ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर फैसला करो, लोगों से मशवरा करो, फैसला करके काम कर दिया, मुस्बत नतीजा आया बहुत अच्छा, नेगेटिव आया तकदीर है भाई, कोई बात नहीं। सारे काम दुनिया में किसी के भी सही नहीं होते। हमारे नबी ने क्या किया, मशवरा किया सहाबा से गज़वा उहद में, मदीना के अंदर रह के लड़ना है, मदीना के बाहर जाके लड़ना है। मशवरे में तय हुआ, फैसला हुआ मदीना से बाहर जाके लड़ना है, जो भी गलत फैसला हुआ था, नुकसान हुआ, 70 सहाबा शहीद हो गए, भाई ये क्या हो गया। सहाबा को ख्याल आया यार हमने फैसला, नबी का अपना जाती राय ये थी कि मदीना के अंदर रह के लड़ते हैं, बहुत सारे सहाबा को ख्याल ये तो गलत हो गया। तो अल्लाह ने क्या नबी से फरमाया कि सहाबा को डांटिए नहीं, फरमाया कि शागिरुन फिल अम्र, आइंदा भी मशवरा लें। फैदा आजम था फतवक्कल अल्लाह, मशवरे के बाद जब एक राय कायम हुई अल्लाह पे तवक्कुल करें, नफा नो, फायदा और नुकसान किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। रोते थोड़ी रहेंगे, हाय ये तू इसने बोला था, इसने हमारे यहां क्या होता है, ये इसने मशवरा दिया था यहां शादी करो, ये है ना, ये मुझे तो फलाने भी मना किया था, फलाने भी मना, इन्होंने बताया था। ये जब बताया था तो आपने आंख बंद करके थोड़ी कर ली थी, आपने खुद भी तो गौर किया था ना। अच्छा काम हो जाए तो कभी मशवरा देने वाले की तारीफ नहीं करते, इसने बताया था इतनी अच्छी बीवी मिल गई, और अगर खराब मिले तो बोले इसने मरवाया मेरे को। कुरान क्या कह रहा है, जब फैसला करो तो क्या करो, फतवक्कल